नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी बुक है अंतरा। और जो आपका जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरे अध्याय का, जो सुमिरनी के मन के, अब इसका जो तीसरा पार्ट है, जो इसका तीसरा जो लघु निबंध है वो है ढेले चुन लो। तो ये ढेले चुन लो जो है इसका टॉपिक है, लेखक है वही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और आइए स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखा है छोटा सा कि ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासों पर चोट की है। इसका मतलब है जो लोगों के बीच जो अंधविश्वास होता है, जो ज्योतिष वगैरह को लेकर, और जो मतलब जितने भी हिंदू धर्म में या जो प्राचीन काल से जो जितने भी लोगों में अंधविश्वास होते हैं खासकर, उसके बारे में इस पूरे निबंध में बताया गया है। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या यहाँ पर बताया जाता है। पहला टॉपिक है दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा। ये एक ऐसी कथा है जिस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा क्या थी। तो आइए देखते हैं ये कथा क्या थी। बबुआ हरीश्चंद्र के नाटक, ये जो है लेखक थे बबुआ हरीश्चंद्र। तो बबुआ हरीश्चंद्र के नाटक जिसका नाम था दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने तीन पेटियां हैं, ठीक है। पुरश्री के सामने जो पुरश्री कैरेक्टर है वहां पर, ठीक है, और जो मतलब पुरश्री जो है एक स्त्री, तो पुरश्री के सामने तीन पेटियां हैं। एक पेटी सोने की होती है, दूसरी पेटी चांदी की होती है और तीसरी लोहे की होती है। तीनों में से किसी एक में उसकी प्रतिमूर्ति होती है, उसकी जो मतलब प्रतिमूर्ति, उसकी जो प्रतिमूर्ति होती है, जो मतलब उसकी जो मतलब कॉपी जो उसकी बनाई जाती है मूर्ति की, वो उन तीनों पेटियों में से किसी एक में होती है। ये एक स्वयंवर टाइप से हो रहा होता है। तीन लोग वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, और स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। तीन पेटियां थी, सोने की पेटी है, चांदी की पेटी है और लोहे की पेटी है। तीन पेटियां हैं जिसमें से एक में जो है उसकी प्रतिमूर्ति है अंदर, अब ये नहीं पता कौन सी में है। तो वो जो स्वयंवर के लिए जो नर आते हैं, जो पुरुष आते हैं, उनको कहा जाता है इन तीनों में से आप पेटी चुन लीजिए, और जिस भी पेटी में जो मतलब इसकी पुरश्री की जो है वो प्रतिमूर्ति निकलेगी उससे उसका विवाह करा दिया जाएगा। तो वो जो अकड़बाज होता है, तीन लोग आते हैं मैंने बताया, जो अकड़बाज होता है वो चुनता है सोने की पेटी को। सोने की पेटी को चुनता है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता और उसको उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है। बचे दो। अब जो लोभी होता है, जो लालची होता है, वो चांदी की पिटा वो मतलब वो चांदी की पेटी को चुनता है। चांदी की पेटी को चुनता है तो लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। जो चांदी की पेटी होती है उसमें भी उसको असफलता मिलती है और वो उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। तो जो अकड़बाज था उसने सोने को चुना और वो उसको उल्टे पैर लौटना पड़ा, सोने की पेटी में कुछ भी नहीं था। तो इससे नियत का पता चलता है कि कौन मतलब लालची है और क्या। और जो दूसरा आता है वो लोभी होता है, वो चांदी की पेटी को चुनता है और उसको भी वापस लौटना पड़ता है। अब लास्ट में जो बचता है वो चुनता है लोहे की पेटी को, और वो सच्चा प्रेमी जो होता है, मतलब जो दिल से प्यार करने वाला जो सच्चा प्रेमी होता है, वो लोहे को चुनता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, मतलब उसकी शादी जो है वो पुरश्री से हो जाती है। छोटी सी ये कथा थी। आपका ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है अंतरा बुक से क्वेश्चन आंसर का, तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। तीन पेटियों के बारे में बताना है किस किसने वो चुनी थी, तो ये आप वहां पर लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी। जो वैदिक काल था, एक मतलब काफी प्राचीन समय की यहाँ पर बात हो रही है, जो वैदिक काल जो था उसमें हिंदू जो था, जो मतलब हिंदू धर्म में कुछ लॉटरी चला करती थी जीवन साथी को चुनने के लिए, ठीक है। तो जब शादी करने के लिए एक लॉटरी होती थी, वो क्या था आइए देखते हैं कि ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। यह लॉटरी जीवन साथी का चुनाव करने के लिए हुआ करती थी। ये एक ऐसी लॉटरी थी जिसमें जो है जीवन साथी जो है उसको चुना जाता था। अब होता क्या था, इस लॉटरी में विवाह का इच्छुक, जो मतलब जो विवाह का इच्छुक होता था, जो पुरुष जो शादी करना चाहता था, वो क्या कन्या के पिता के घर जाता था और उसे गायें भेंट करने के बाद, पहले तो वो क्या करता था, नहा धोकर कन्या के जो पिता होते हैं उसके घर जाता था, गाय को भेंट करता था वहां पर जाके, और फिर वो क्या करता था, पुरुष जो विवाह करना चाहता था कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था। मिट्टी का ढेला आपने देखा होगा, मिट्टी के ढेले जो होते थे वो
मिट्टी के ढेले जो कुछ वो कन्या के सामने रख देता था, और वो कन्या को कहता था इन ढेलों में से कोई एक ढेले को चुनो। तो आप देख रहे हैं अभी तक ये अंधविश्वास का चल रहा है, जो पीछे इसके आपने पढ़ा था दुर्लभ बंधुओं की कथा, वहां पर भी मतलब पेटियों को चुनकर और फिर जीवन साथी का चयन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब ये ढेले रखे जा रहे हैं, ठीक है। अगर जो ढेले, अब ढेले की क्या स्टोरी आगे आपको वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ढेले रख दिए कन्या के सामने और उसमें से एक ढेले को वहां पर चुनने को कहा जाता था। इन ढोलों सॉरी इन ढेले को कहां से लाया गया था यह केवल युवक जानता था। ये जो ढेले लाए जाते थे मिट्टी के, इसको कहां से लाया गया है इसके बारे में और कोई नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ जो युवक जो शादी करने के लिए आया था वो केवल इसकी जानकारी केवल उसी के पास थी, और जो कन्या थी उसको नहीं पता था कौन सा ढेला कैसा है, किस प्रकार की मिट्टी उसमें अंदर है, ठीक है। कन्या को कुछ पता नहीं होता था, ढेला उसको चुनने के लिए कहा जाता था, कन्या ढेला एक उठा लेती थी। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेला चुन लेती थी तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता था। अब जो वो ढेले युवक सामने रखता था कन्या की, अब वो स्टोरी क्या है वो भी आपको मैं बता दूंगा कि मतलब जो वो ढेले रख देता था सामने, अब अगर कन्या ने ढेला उठा लिया और अगर वही ढेला उठाया जो वो लड़का चाहता था तो उनकी शादी हो जाती थी। अब ढेले की क्या कहानी है आइए देखते हैं। टॉपिक है ढेलों का चुनाव। अब जो वो मिट्टी के ढेले होते थे, कि ढेलों का चुनाव करते समय यह माना जाता था कि यदि कन्या वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होती है। जो वेदी की मिट्टी, जो वैदिक जो मतलब मिट्टी का ढेला उठा ले तो संतान उसकी कैसी होगी, भविष्य में वैदिक पंडित बनेगी, मतलब खूब ज्ञान वाली संतान होगी। पहला तो अंधविश्वास ये था। अगर वो गोबर की, वो मतलब गोबर की मिट्टी या कुछ गोबर वाला ढेला उठा ले तो उनकी संतान क्या होगी, भविष्य में पशुओं की धनी होगी, बहुत सारे पशु उनके घर में होंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या यहाँ पर अंधविश्वास हो रहा है, कि अगर वेदी का ढेला उठा ले तो संतान जो है वो वैदिक पंडित बन जाएगी। गोबर अगर उठा ले, गोबर का ढेला अगर उस टाइप का, तो संतान जो होगी वो पशुओं की धनी होगी। खेती की मिट्टी का जो ढेला है, अगर खेती की मिट्टी जो होती है वो अगर उठा ले तो पुत्र जो होगा उनका वो जमींदार बनेगा। ये आपने देखा, तीन तीन ढेले यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके के होते थे। एक तो वेदी का ढेला, दूसरा है गोबर का ढेला, तीसरा है खेती की मिट्टी का ढेला। अब चौथा ढेला जो होता था इसको माना जाता था अशुभ। अगर ये ऊपर वाले जो तीन बताए हैं इनमें से किसी भी एक को उठा ले तो उनकी शादी हो जाती थी। अगर मसान की मिट्टी को हाथ लगाना जो है मतलब सबसे बड़ा अशुभ, और मतलब जो मतलब अशुभ मतलब उसको माना जाता था, मसान की मिट्टी को अगर वो उसका जो ढेला होता है उसको अगर वो हाथ लगा ले कन्या तो उसको अशुभ माना जाता था, और उसका जो है विवाह फिर वो नहीं होता था। जो पुरुष जो होता था जो जाता था ढेले लेकर, फिर वो वहां से वापस लौट जाता था और वो फिर विवाह उनसे नहीं करता था। पर ऐसा नहीं था कि जिसने मसान की मिट्टी छू ली एक बारी कन्या ने, उसका कभी विवाह नहीं हो सकता। उसका विवाह उससे नहीं हो सकता जिसका उसने ढेला उठाया है। अब मान लो वो तो चला गया, उसके में मसान की मिट्टी आ गई, वो चला गया उठ के, फिर दूसरा कोई आ जाएगा, वो दूसरा अपने ढेले रखेगा, बाय चांस अगर उसमें नहीं आया तो क्या पता इसमें वो कोई ऊपर वाले तीन में से कोई ढेला उठा ले, तो उसकी शादी उससे हो जाती थी। ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आज के लोगों को कोरा अंधविश्वास प्रतीत हो सकता है। अब आज हम सोच सकते हैं कि आखिर कैसे कोई अपने जीवन साथी का चुनाव इन ढेलों के मतलब उस पे आधार पर कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये अंधविश्वास था सब कुछ, और आज के लोगों को लगता है कि ये मतलब ये क्या मतलब मूर्खता की थी। पर लेखक ये बताता है ये मूर्खता आज भी जारी है, आज भी है। जो ज्योतिष गणना और ज्योतिष वगैरह को जो है मतलब बुलाकर और फिर पूछा जाता है मुहूर्त वगैरह, और जो मतलब कुंडली और ये गुण गुण मिलते हैं नहीं मिलते हैं लड़के लड़कियों के, इन सब के आधार पर आज भी जो है मतलब विवाह जो है वो तय किए जाते हैं। और लेखक जो है इसे अनुचित समझता है कि अगर जो इतने प्राचीन समय में जो ये ढेलों वाला ये अगर ये जो मतलब काम हो रहा है ये अगर तुम्हें अंधविश्वास लगता है तो आज जो ये जो होता है ज्योतिष गणना कुंडली गुणों को मिलाना वगैरह ये भी अंधविश्वास है, तो लेखक जो है इसे अनुचित समझता है। और लेखक की सोच क्या है, लेखक का मानना है जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है बजाय उस चीज के जिसकी हमें भविष्य में मिलने की उम्मीद है। जैसे जो मतलब अभी वो मिट्टी के ढेले वगैरह चुनने से क्या भविष्य का पहले ही वो बता रहे हैं, अगर ये ढेला उठा लिया तो पुत्र जमींदार बन जाएगा, वो ढेला उठा लिया तो पशुओं का धनी बन जाएगा, वो ढेला उठा ले तो पंडित बन जाएगा, तो भविष्य में जा रहे हैं आगे, मतलब अंधविश्वास के चक्कर में भविष्य का सोच रहे हैं, वर्तमान में ही सोच रहे हैं आखिर वो लड़का कैसा होगा जो मतलब वहां पर ढेले लेके आया। तो भविष्य अनिश्चित है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं वह वस्तु हमें मिले या ना मिले, इसलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना अधिक उचित होता है, ठीक है। ऐसा लेखक की सोच है जैसा वो यहां पर लिखते हैं। तो अब जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं वो है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है वो आपको बताना है।
और दूसरा क्वेश्चन है, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा लिखिए, जो तीन पेटियां सोना चांदी और लोहे की पेटियां थी उसके बारे में जो मैंने बताया वो आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन साथी का चुनाव, मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते थे, मतलब मिट्टी के ढेलों में अगर जो जो मैंने आपको बताया कि वो ढेला अगर उठा लिया तो उससे क्या होता था, तो वो पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो है हमारा सुमिरनी के मन के नाम का जो ये था चैप्टर वो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।